और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का प्रयागराज दौरा और 21 फरवरी को प्रयागराज आएंगी प्रियंका गांधी। कुंभ में प्रियंका गांधी लगाएंगी आस्था की डुबकी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पर आपको बता दें कि प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगी प्रियंका गांधी और प्रयागराज में साधु संतों से भी मुलाकात करेंगी और पार्टी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी, इस वक्त की बड़ी खबर। जहां पर 21 फरवरी को प्रयागराज आएंगी प्रियंका गांधी और कुंभ में प्रियंका गांधी आस्था की डुबकी भी लगाएंगी और साथ ही आपको बता दें कि साधु संतों से भी वो मुलाकात करेंगी, ऐसी बात सामने आई है। और साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों से भी प्रियंका गांधी मुलाकात कर सकती हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का प्रयागराज दौरा, 21 फरवरी को वो प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगी। इक्कीस फरवरी को प्रयागराज आएंगी प्रियंका गांधी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पर कुंभ में प्रियंका गांधी लगाएंगी आस्था की डुबकी, बड़ी खबर। प्रयागराज में प्रियंका गांधी लगाएंगी आस्था की डुबकी और पार्टी के पदाधिकारियों से भी वो मुलाकात करेंगी, साथ ही साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे प्रियंका गांधी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का प्रयागराज दौरा, 21 फरवरी को वो प्रयागराज आएंगी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज हनुमत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। अनुज, पूछना चाहूंगी कि 21 फरवरी को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा है, इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां प्रयागराज में और कैसा माहौल है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में प्रयागराज में? इस तरीके से कुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है, उसे देखते हुए प्रियंका गांधी के आगमन को लेकर के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वो यहाँ दौरा करेंगे और उन्होंने प्रयागराज से उनका स्नान करने के बाद ये सुनिश्चित किया है कि वो यहाँ की जो सियासत है उसको यहाँ से खंगालना शुरू करेंगे। और खास बात यह है कि उनके पूर्वजों का खासा नाता रहा है प्रयागराज से और इस कारण ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और इस वक्त यहाँ पे तैयारियां तेज कर दी गई हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा। और सबसे अहम बात यह है कि आखिरी दौर होगा कुंभ का और जिस तरीके से योगी सरकार ने कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसे में जब प्रियंका गांधी डुबकी लगाएंगी यहाँ पे उसके रुख क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे, आने वाले समय पता लगेगा। लेकिन तैयारियां यहाँ पे काफी शुरू कर दी गई है और बताया जा रहा है कि 21 फरवरी को प्रियंका गांधी यहाँ पे स्नान करेंगी। शुक्रिया अनुज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।